हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के तरफ से एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, जो कि नॉर्मली एक टाइटल सॉन्ग है, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है पब्लिक के तरफ से। उस टाइटल सॉन्ग को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या हमें एक सॉन्ग देखने को मिलेगा या फिर ट्रेलर देखने को मिलेगा। और अगर सॉन्ग देखने को मिलेगा तो भाई ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि ये मूवी तो ईद में रिलीज होने वाली और ईद को आने के लिए अभी एक महीना 20 दिन या 25 दिन ही है। तो भाई इस मूवी का ट्रेलर कब तक आएगा, वो सब कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और हाँ गाइस, ट्रेलर को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे भी करके इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज्यादा रेकमेंड कर पाए, शेयर कर पाए। क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, यूट्यूब इस वीडियो को आगे रेकमेंड नहीं करेगा। ये YouTube का एक नया एल्गोरिदम हो गया। तो भाई जैसे भी करके इस वीडियो को और भी ज्यादा लाइक करें, जैसे YouTube और भी ज्यादा लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करेगा और उन लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ की तरफ से उनके ट्रेलर का अपडेट मिल जाए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को कुछ व्यूज भी मिल जाए। तो यार, ट्रेलर के मेन टॉपिक यानी कि ट्रेलर अपडेट पे जाने से पहले एक और चीज पे बात कर लेते हैं, जो कि है बड़े मियाँ छोटी मियाँ की टाइटल ट्रिक। इसका क्या रिकॉर्ड हुआ है, इसने 24 आवर्स में कितना व्यूज हासिल किया है, क्या ये लोगों को उतना ज्यादा पसंद आई भी या नहीं, वो सब कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे बड़े मियां छोटे मियां की टाइटल ट्रैक रिलीज हुई ना, बस 24 आवर में ही इस टाइटल सॉन्ग ने अपना व्यूज काउंट 15 मिलियन क्रॉस कर दिया था, जो कि आप लोगों को शायद बहुत ही ज्यादा कम लग रहा होगा। लेकिन भाई ये व्यूज ना भाई ऑर्गेनिक है, यदि ये ऑर्गेनिक नहीं होते तो भाई ये टाइटल ट्रैक कम से कम 50 मिलियन तो लेकर बैठी होती अब तक। लेकिन यार, आप लोग ये भी सोच रहे हो कि भाई इस वीडियो को तो इतना ज्यादा व्यूज भी नहीं मिला है, तो यार ऑडियंस को क्या ही मजा आया है, ऑडियंस को ये तो कैप्चअप नहीं कर पे, ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो का जितना व्यूज आता है उसका माने ये नहीं कि ये वीडियो उतना ज्यादा चली है। कोई कोई वीडियो ऐसे भी होते हैं जो कि 50-60 मिलियन पे होती है, लेकिन उस वीडियो का, उस मूवी का हाइप उतना ही ज्यादा कम जाता है। वीडियो चल रही है या नहीं, मूवी का हाइप है या नहीं, उसके रेस्पॉन्स से पता चलता है। लेकिन गाइस, बड़े मियां छोटे मियां का जो टाइटल सॉन्ग है ना, उसका कम व्यू होने के बावजूद भी उसके कॉमेंट्स को देखो, उसके लाइक्स को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस के बीच में कितना ज्यादा हाइप हो चुका है। वैसे भी इस मूवी के टीजर को देखे लोग तो और भी ज्यादा हाइप हो चुके थे पहले से। इसके पोस्टर के लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आया था, उसके लिए भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ और ऊपर से इस मूवी को नेगेटिव भी झेलना पड़ा कि ये मूवी एक रीमेक मूवी है हॉलीवुड मूवी के तरफ से, लेकिन वो भी नेगेटिव साबित हो गया, जिसके वजह से इस मूवी का और भी ज्यादा प्रमोशन हो गया, और भी ज्यादा हाइप हो गया लोगों के बीच में। क्या हो रहा है अक्षय कुमार की मूवी के साथ, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है बड़ी मियां छोटी मियां के मूवी के साथ, उसके अपडेट क्या है, वो सब कुछ वो जानने के लिए वो इतना ज्यादा ईगर हो गए थे कि लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं बड़ी मियां छोटी मियां को। और वो प्यार, वो रेस्पॉन्स भाई आपको टाइटल सॉन्ग के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट रेस्पॉन्स है भाई। इस टाइटल सॉन्ग के अलावा भी और भी कई सारे रोमांटिक और कई सारे पार्टी सॉन्ग भी हैं जो कि आने वाले हैं बड़ी मियां छोटी मियां की तरफ से। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट जिस वीडियो को देखने का है ना भाई, वो है भाई वो अरेबिक सॉन्ग वल्लह बीवी को देखने के लिए। वो सॉन्ग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाले, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ईगरली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसको देखने का मजा ही कुछ और होगा। और उस वीडियो को और उस म्यूजिक को सबसे ज्यादा ईगरली वेट करने का रीजन है भाई म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध। उनका म्यूजिक भाई बहुत ही ब्रिलियंट होता है, बड़ा क्रेजी होता है पूरा। उनका वे ऑफ म्यूजिक, उनका वे ऑफ ट्यून, उनका वे ऑफ लिरिक्स, सब कुछ अच्छा होता है भाई, इसलिए बहुत ही ज्यादा ईगरली वेट कर रहा हूँ मैं वो अरेबिक सॉन्ग के लिए। तो अभी आ जाते हैं कि इस मूवी का नेक्स्ट क्या रिलीज होने वाला है, एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है या फिर एक ट्रेलर रिलीज होने वाला है। आप लोगों को लग रहा हो कि जल्दी से जल्दी इस मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले के टाइम में जब मूवी रिलीज होने वाला है उससे एक महीने पहले ही मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जा रहा था। लेकिन जब से पठान आई है तब से भाई ये पूरा एक ट्रेंड बन चुका है कि जब मूवी रिलीज होगी उससे बस 8 या 9 दिन के पहले ही ट्रेलर को रिलीज किया जाए, जैसे कि पब्लिक के सामने आपका हाइप बना रहे, पब्लिक के बीच में आपके मूवी का इंटरेस्ट बना रहा है। तो भाई वही सेम फॉर्मूला, वही सेम चीज
सीरीज बड़ी मियां छोटी मियां की मेकर्स भी करने वाली है। ट्रेलर अभी नहीं आएगी। हाँ गाइस, ये पूरा का पूरा सच है। अभी आपको बहुत सारे सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे और शायद इस मूवी का नया अपडेट मतलब नया कॉन्टेंट शायद एक सॉन्ग होगा जो कि मेरे हिसाब से एक अरेबिक सॉन्ग होने वाला, जो कि मैंने आपको बताया था वल्लह बीवी। क्योंकि यार अगर आप मूवीज को फॉलो करते हो, उनके रिलीज टाइम को फॉलो करते हो, उनके अपडेट्स को लेके फॉलो करते हो, उनके माल को लेके यदि आप फॉलो करते हो, तो आप लोगों को पता हो कि कोई भी मूवी अपना टाइटल ट्रैक पहले नहीं छोड़ती है। लेकिन बड़े मियां छोटी मियां के मेकर्स ने इस मूवी का पहला कॉन्टेंट ही भाई टाइटल ट्रैक छोड़ दिया है। तो गाइस जिस तरीके से मेकर्स इस मूवी को सोच रहे प्रमोशन के लिए, मुझे पूरा का पूरा श्योर लग रहा है कि मूवी का नेक्स्ट जो कॉन्टेंट आने वाला है जो कि एक सॉन्ग ही होगा, वो होगा भाई अरेबिक सॉन्ग वल्लह बीवी। क्योंकि भाई मेकर्स अपना सबसे अच्छा माल, सबसे अच्छा कॉन्टेंट पहले पहले छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि पब्लिक के सामने उनका हाइप बना रहे, उनके मूवी का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि बड़े मियां छोटी मियां की तरफ से जो नेक्स्ट कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा वो एक सॉन्ग होगा और वो गारंटी अरेबिक सॉन्ग होगा वल्लह बीवी। और भी कई सारे सॉन्ग हैं, जैसे कि पार्टी सॉन्ग होने वाला है, एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, वो भी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर से पहले। ट्रेलर आएगा उसके ठीक 8 दिन या 9 दिन के पहले ही, उससे पहले तो ट्रेलर आने वाला ही नहीं है। और यार ट्रेलर को लेके इतनी बड़ी अपडेट आई है ना, और इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है ना, जिसको सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे। और वो न्यूज ये है कि भाई बड़े मियां छोटे मियां के मेकर्स ने इस ट्रेलर के अंदर ऐसा ऐसा कट डाला है ना भाई, जिसको आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा। एक ऐसा कट से भरा हुआ ट्रेलर जो आपके दिमाग में, आपके दिल में इस मूवी के लिए और भी ज्यादा ईगरनेस, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जानने के लिए पूरा भौकाल मचा देगी। ऐसा कट बड़े मियां छोटी मियां के मेकर्स ने इस ट्रेलर के अंडर डाला है, पूरा पठान और टाइगर 3 के लेवल का। और अगर मूवी ऐसा करने पे कामयाब हो जाते, उस लेवल पे जाने के लिए कामयाब हो जाती है जैसा कि पठान और टाइगर 3 का जो ट्रेलर था, तो भाई मूवी का तो क्रेज खत्म, मूवी और भी ज्यादा हाइप होने वाली है। इस मूवी का कम से कम ओपनिंग डे का नेट कलेक्शन ही 40 करोड़ से ऊपर होने वाला है, अगर मूवी ने ऐसा हाइप बना दिया उसके ट्रेलर के माध्यम से। पर यार कैसा होगा क्या नहीं, वो तो हमें ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। मूवी कैसा होगा या नहीं, वो सब कुछ तो हमें भाई मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की ये मूवी बड़े मियां छोटी मियां कितनी बड़ी तबाही मचाने वाली है थिएटर में, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।